आज मौसम कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्रार और आज हम आपको दिखाने लगे हैं टोयोटा विट्स, पाकिस्तान की लेजेंडरी कार। और ये आई थी डिटेलिंग के लिए और जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मैंने इसकी हालत आपको पहले दिखा देता हूँ, बहुत ही बुरी थी इंजन का। ये मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इंजन इसका दिखा सकूँ। और जो लोग कहते हैं कि नए मॉडल की तो इंजन साफ ही होते हैं, तो नए मॉडल की गाड़ी ही आई थी, इसका इंजन भी आप देख लें। और अब दोबारा मैं दिखाऊंगा, पहले मैं बाहर से बॉडी लुक दिखा देता हूँ। और बॉडी लुक अगर आप कवर कर रहे हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरी कर दी है, इस पर सिरेमिक कोटिंग की है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लश पश हो गई है। इसकी सारी लाइट्स खोल के, फिर ये जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं ये सारे खोल के इसको सारा क्लीन किया गया था। और मैंने ये थर्ड डे हुई है पूरी रेडी, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स उतार के फिर पहले पॉलिश हुई थी, जिसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कहते हैं, और उसके बाद जाके ग्लास कोटिंग हुई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त इनका प्रोसेस सिस्टम है जैसा कि ये करते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी हो गई है, और बिल्कुल अगर धूप में अगर आप देखें तो बिल्कुल ये देखें, ये भी बम्पर है। अगर बॉडी का मैं दिखाऊँ, बॉडी का और ज़्यादा चमक रहा है, क्योंकि प्लास्टिक पे जो मेटालिक होता है ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता जितना आके मेटल के ऊपर होता है, ये इन माय एक्सपीरियंस। अभी मैं इंटीरियर दिखाता हूँ, आप पहला इंटीरियर भी कंपैरिजन करना। और ये देखें जी, सब्र करें, ये देखें जी, यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा सही, लाइट मार के दिखाता हूँ, आप देखें कितना क्लीन कर दिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अगर आप देख रहे हैं पेंट फेड है वैसे डिटेलिंग का समय, ये देखें जी। ये स्टेरिंग के मैं बात करता हूँ, स्टेरिंग में कितनी इन्हें सफाई की है कि इसके एजेस में गन जो फंस जाता वो भी निकाल दिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें काफ़ी ज़बरदस्त काम किया गया। अब मैं पूरा इंटीरियर एक मरतब नज़र फिर बता देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी साफ़ सुथरी कर दी गाड़ी को, ये देखें जी हर चीज़ चमचमा रही है शोरूम कंडीशन में। और ये है जी कंप्लीट गाड़ी अंदर से, मैं बैक से भी दिखा देता हूँ एक मरतब, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है। और बैक से भी एक मरतब नज़र डाल देते हैं, ये देखें जी बैक से, मैं साथ साथ वीडियो चला रहा हूँ वो आप कंपैरिजन कर लेना कितनी साफ़ कर दी गई है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इंटीरियर सारा ब्लैक है, लेकिन फिर भी आप एक मरतब नज़र डाल दें। अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी करवाना चाहते हैं स्मार्ट सर्विसेज पे आके विज़िट कर लें, एस्टीमेट लगवा लें गाड़ी का, हर गाड़ी का अपना हिसाब होता भी है। देखें ना कंडीशन बहुत गंदी थी इसकी, तो अब मैं दिखाता हूँ इसका अंदर से, ये देखें जी सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा। अब तो यार मान जाएं, ये साइड बाई साइड भी वीडियो में चला देता हूँ और अब मान जाएं वाकई यार काम किया है। सफाई चेक करें एंड टू एंड, जितना मर्जी अंदर हाथ ले जाऊँ सफाई ही सफाई नज़र आएगी। ये जैसे कि आप इसकी देख रहे हैं सफाई क्लीनिंग देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट कर दी गई है। और जैसा मैंने बताया था कि मैगवर्ड्स के जो ये पॉलिशेस वैक्स उसके बाद स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं उनका लेवल ही नेक्स्ट होता है। तो ये है जी गाड़ी, और ये ऊपर से भी देख लें नमदा भी साफ़ किया गया। और तो ये थी गाड़ी, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हो गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी स्मार्ट सर्विसेज पे आ सकते हैं, अपने गाड़ी का एस्टीमेट लगवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।